1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तब तक भारत की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। ब्रिटेन द्वारा लगातार डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इंडिया एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रहा था। इंडिया की जीडीपी केवल 3% थी। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, हाई पॉपुलेशन और डेथ रेट्स जैसे कई चैलेंजेस इंडिया के सामने खड़े थे। हाई पॉवर्टी और सोशल डिफरेंसेस की वजह से एक नेशन के रूप में भारत के सर्वाइवल पर काफी सवाल भी उठ रहे थे। इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद अधिकतर पॉलिटिकल लीडर्स ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी के पक्ष में थे जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करे। उनका मानना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जरिया बनेगा और साथ ही बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड्स और इकोनॉमिक सोवरेनिटी भी इम्प्रूव होगी। इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंडर इंडस्ट्रियलाइजेशन को अप्रूव किया गया और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट को मेन ऑब्जेक्टिव बनाया गया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs भी कहा जाता है। एस्टैब्लिशमेंट्स कंप्लीटली या पार्शियली इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती हैं। इसके अलावा ऐसे एंटरप्राइजेस स्टेट लेवल पे ही मौजूद होते हैं। खैर कई सालों तक PSUs देश की डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का सहयोग देते रहे, लेकिन 1991 इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद सरकार ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बदलने का निर्णय लिया। क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट ने कई PSUs में अपनी ओनरशिप को डाइवेस्ट करके उन कंपनीज को प्राइवेटाइज करने का फैसला किया जो पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और लो एफिशिएंसी फेस कर रहे थे। पर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 1991 इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस था क्या और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है और इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट इनिशिएट करने के बाद से इंडियन गवर्नमेंट को फायदा पहुंचा है या नुकसान, इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम डिसइन्वेस्टमेंट और उसके टाइप्स को समझने की भी कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं और इससे इकोनॉमी को कितना फायदा या नुकसान पहुंचा। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो UPSC एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट द्वारा PSUs के शेयर्स को सेल करना। इन शेयर्स को अक्सर इंटरेस्टेड प्राइवेट कंपनीज बाई करती हैं। गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के लिए अक्सर 3 अप्रोचेस फॉलो करती हैं। पहला होता है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें गवर्नमेंट 51% या उससे ज्यादा का मेजोरिटी स्टेक रिटेन करके मैनेजमेंट कंट्रोल अपने अंडर में रखती है। दूसरा अप्रोच मेजोरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, जिसके थ्रू सरकार 50% या उससे ज्यादा का स्टेक प्राइवेट कंपनी या दूसरे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक PSUs को सेल आउट कर देती है। इसे स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है और इसमें गवर्नमेंट मैनेजरियल कंट्रोल रिटेन नहीं करती। डिसइन्वेस्टमेंट का अगला तरीका कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन होता है। इसमें कंपनी का 100% कंट्रोल बायर को पास ऑन हो जाता है। गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस करना, रेवेन्यू को प्रोडक्टिव या सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करना और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज्यादा होता है तो फिजिकल डेफिसिट की सिचुएशन पैदा होती है। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से कंपनीज की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है और मार्केट में कॉम्पिटिशन, मार्केट डिसिप्लिन और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी भी इन्हांस होती है। दोस्तों, अब तक हमने डिसइन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस को समझने का प्रयास किया। अब ये जानना जरूरी है कि किन कारणों से इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ गया था। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद अपनी स्थिति सुधारने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलपमेंट मॉडल के तौर पे अडॉप्ट किया था। इंडिया के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन और रेगुलेशन की जरूरत को भी हाईलाइट किया। इस कारण पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट एक डोमिनेंट रोल प्ले करने वाली थी। साथ ही PSUs को डेवलप किया गया, जिसके थ्रू गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज रेगुलेट करने के लिए इम्पावर किया जा सके। 1991 तक गवर्नमेंट लेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्राइवेट एंटरप्राइजेस पर रेस्ट्रिक्शंस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डोमिनेंट पैटर्न्स थे। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, लाइसेंस सिस्टम, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सरकार द्वारा इंटरफेरेंस, PSUs की पूर एफिशिएंसी, लो वर्क एथिक्स आदि के कारण 1991 में इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने लगी थी। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। इस फेज को 1991 इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस भी कहा जाता है।
इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से देश को बाहर निकालने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट अप्रोच को चेंज किया गया। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन को फॉलो करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार 1991 से डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इंडियन इकोनॉमी की एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी बनकर उभरी, जिसके टारगेट्स गवर्नमेंट हर साल यूनियन बजट के दौरान अनाउंस करती है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में इसका टारगेट है 65,000 करोड़ रुपीस। इम्पॉर्टेंट है कि डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट को कितना फायदा पहुंच रहा है। जिस इंटेंशन से डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को इनिशिएट किया गया था, क्या गवर्नमेंट इन सालों में उसे अचीव कर पाई है, आइए देखते हैं अगले सेक्शन में। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1991-92 से 2017-18 तक इंडियन गवर्नमेंट ने 3,47,439 करोड़ रुपीस तक के पब्लिक एसेट्स सेल किए हैं। गवर्नमेंट द्वारा मेजर डिसइन्वेस्टमेंट 1999 और 2004 के बीच कैरी आउट हुए थे। अगर उन्हीं में से कुछ एग्जांपल्स की तरफ गौर करें तो मई 2000 में गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड यानी एचटीएल कंपनी का 74% इक्विटी शेयर हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड HFCL को केवल 55 करोड़ रुपीस में सेल किया था और गवर्नमेंट अब भी कंपनी में 26% इक्विटी शेयर रिटेन करती है। फाइनेंशियल ईयर 2014 से 15 में कंपनी ने 2,551 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रजिस्टर किया, जिसमें गवर्नमेंट का शेयर होने के कारण सरकार को भी काफ़ी फायदा पहुंचा था। वहीं CMC लिमिटेड कंपनी 2001 में प्राइवेटाइज हुई, जिसके थ्रू टाटा सन्स लिमिटेड ने 151 करोड़ रुपए में 51% स्टेक्स एक्वायर किए थे। आज वही CMC लिमिटेड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के नाम से जानी जाती है, जो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज में से एक है। गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान जिंक के मेजोरिटी शेयर्स 2002 में केवल 769 करोड़ रुपीस में स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज को सेल आउट किए थे। हिंदुस्तान जिंक ने एक्विजिशन के बाद लगभग 100 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान जिंक में गवर्नमेंट के जो 30% स्टेक्स थे उसकी आज वैल्यू 27,523 करोड़ रुपीस बताई जाती है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक आज की तारीख में दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट जिंक लेड माइनर और फोर्थ लार्जेस्ट जिंक लेड स्मेल्टर है। इसकी गिनती वर्ल्ड के टॉप 10 सिल्वर प्रोड्यूसर्स में भी की जाती है। भारत एल्युमिनियम कंपनी बैल्को, इसको भी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ने एक्वायर किया था। डिसइन्वेस्टमेंट के बाद अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स के लिए स्पेशल एल्युमिनियम अलॉयज बैल्को द्वारा ही डेवलप किए गए थे। बैल्को इंडियन एल्युमिनियम इंडस्ट्री में पहली ऐसी कंपनी थी जिसने अलॉय रॉड्स बनाना शुरू किया। अलॉय रॉड्स पावर ट्रांसमिशन लाइन्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा 2002 में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत की सेकेंड लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी इंडियन पेट्रोकेमिकल्स को एक्वायर किया गया था, जिसमें रिलायंस के माइनॉरिटी स्टेक्स थे। 2007 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसे कम्प्लीटली अपने साथ मर्ज कर लिया था। रिपोर्ट्स बताते हैं कि जब से रिलायंस ने इसे अपने अंडर लिया है, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स की प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू दोनों में काफ़ी इंक्रीज दिखाई दिया है। इसका नेट टर्नओवर 14% और प्रॉफिट 20% इंक्रीज हुआ है। ठीक इसी तरह 2003 में मारुति उद्योग लिमिटेड, जो जापानीज ऑटोमेकर सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन को सेल किया गया था, कहा जाता है कि मारुति को इस डील से काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा। 2015 में मारुति ने स्विफ्ट डिजायर के रूप में इंडिया में अपनी 15 मिलियंथ व्हीकल लॉन्च की थी। वहीं फरवरी 2022 तक मारुति सुजुकी का इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में मार्केट शेयर 44.2% था। दोस्तों, इन एग्जाम्पल से ये तो जाहिर है कि कई डील्स में गवर्नमेंट को हेल्दी प्रॉफिट तो मिलता ही है, साथ ही डाइवेस्टेड कंपनीज को भी मुनाफा हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट से इंडिया का फिस्कल डेफिसिट भी रिड्यूस हुआ है। डेटा रिवील करता है कि जहां 2008 से 9 में फिस्कल डेफिसिट 6% था, वहीं 2018 में वो रिड्यूस होकर 3.4% तक हो गया है। कोविड के कारण जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए तो फिस्कल डेफिसिट काफ़ी इंक्रीज हो गया था, जो अब थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि PSUs का प्राइवेट एंटरप्राइजेस के कंट्रोल में जाने से उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। लेकिन कई लोग सवाल उठाते हैं कि 30 साल में डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू कमाए गए लाखों करोड़ रुपए ग्राउंड लेवल पे मटेरियलाइज होते हुए क्यों नहीं दिखते। आज भी इंडिया का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है। कई गाँव में इलेक्ट्रिसिटी, रोडवेज और सेफ ड्रिंकिंग वाटर जैसी परेशानियाँ मौजूद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए हर साल बजट में बड़ी स्कीम्स अनाउंस हो रही हैं, जैसे गति शक्ति और मेक इन इंडिया, लेकिन उन्हें बहुत धीमी गति से पूरा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2021 में लगभग 140 कंट्रीज में इंडिया की 45th रैंक थी, जिसका कारण भी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
दूसरी ओर सोशल सेक्टर्स में भी सेटिस्फैक्ट्री इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं देती। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात तो की जाती है, लेकिन उस एरिया में भी काम काफ़ी स्लो चल रहा है। साथ ही हर साल बजट में ओवरऑल जीडीपी में हेल्थ और एजुकेशन का हिस्सा कम कर दिया जाता है, जिससे ये एसेंशियल सर्विसेज प्रभावित होती हैं। बच्चों से रिलेटेड न्यूट्रिशनल डेटा और ASER की एजुकेशन रिपोर्ट भी कोई सक्सेसफुल रिजल्ट पेश नहीं करती। कई इकोनॉमिस्ट तो मानते हैं कि फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट का रास्ता अपनाना एक अनहेल्दी और शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट हमेशा ना तो प्रॉफिटेबल होता है और ना ही उसके टारगेट्स टाइमली अचीव हो पाते हैं। इतना ही नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट हमेशा गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिटेबल डील साबित नहीं होती। कई कंपनीज ऐसी थीं जो प्राइवेटाइजेशन के बाद ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं बना पाईं। 2002 में विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी VSNL को भी डाइवर्स किया गया था और टाटा ग्रुप ने इसे खरीदा था। इस कारण VSNL बाद में टाटा कम्युनिकेशंस के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन कहते हैं कि बेल्को और हिंदुस्तान जिंक की तरह टाटा कम्युनिकेशंस इतना प्रॉफिटेबल नहीं हो सका। मार्च 2001 से मार्च 2020 तक कंपनी का रेवेन्यू केवल 2.3 टाइम्स ही इंक्रीज हो पाया। एयर इंडिया और LIC भी डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया, जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी, उसने 2019-20 में लगभग 8000 करोड़ रुपीस का लॉस सफर किया था। इसी कारण गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को डाइवर्स करने का डिसीजन लिया और दिसंबर 2021 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को 18000 करोड़ रुपीस में बाय कर लिया था। लेकिन गवर्नमेंट को केवल टोटल अमाउंट का 15% ही मिला, क्योंकि एयर इंडिया इतने कर्ज में डूबा हुआ था कि सेल आउट होने के बाद 85% अमाउंट तो रीपेमेंट में ही चला गया। इसके अलावा एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट के कारण फ्लाइट्स की टिकट्स भी बढ़ सकती हैं, जिससे सिटीजन्स को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ आज भी गवर्नमेंट्स सारे लॉस मेकिंग PSUs को डाइवर्स नहीं कर पाई है। कुछ PSUs अक्षमता के कारण बहुत पहले ही बंद हो गए होते, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण वो आज भी चल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में BSNL का लॉस 15,500 करोड़ रुपीस था। वहीं MTNL ने 3,696 करोड़ रुपीस का लॉस सफर किया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ONGC मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड कुछ और कंपनीज हैं जो हजारों करोड़ों का नुकसान में चल रही हैं। इन कंपनीज को मेंटेन करने के लिए टैक्सपेयर्स के मैसिव अमाउंट्स तो इन्वेस्ट होते ही हैं, साथ ही वर्कर्स अपनी नौकरी ना खो दें इसलिए गवर्नमेंट इन्हें क्लोज डाउन भी नहीं कर सकती। इसके अलावा PSUs को प्राइवेटाइज करने का टारगेट भी अचीव नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर 2021 के यूनियन बजट में ये अनाउंस किया था कि केवल 4 स्ट्रेटजिक यानी क्रूशल एरियाज में मिनिमम सेंट्रल PSUs को मेंटेन किया जाएगा और बाकी PSUs प्राइवेटाइज कर दी जाएंगी। लेकिन अगर रीसेंट ट्रेंड्स की बात करें तो गवर्नमेंट अपना एनुअल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट अचीव नहीं कर पा रही है, जिसके कारण सरकार पोटेंशियल रिवेन्यू लूज कर रही है। बल्कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण पिछले 2 सालों में डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑलमोस्ट बंद ही रही। इस दौरान गवर्नमेंट नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NMDC, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी HUDCO आदि कंपनीज के माइनॉरिटी स्टेक सेल करके 9,300 करोड़ रुपीज ही अर्न कर पाई है। दूसरी तरफ LIC भी लॉसेस में चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स तो यहाँ तक बताती हैं कि वो हर दिन लगभग 20 करोड़ रुपीस का नुकसान उठा रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने प्राइमरी शेयर मार्केट में LIC के कुछ स्टेक्स को डाइवेस्ट करने का फैसला किया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि गवर्नमेंट लगभग $1 trillion अर्न कर सकती है। इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि आगे सालों में LIC को गवर्नमेंट द्वारा डाइवेस्ट किया जा सकता है। कई लोग गवर्नमेंट के प्रॉफिट मेकिंग PSUs को प्राइवेटाइज करने के फैसले को भी क्रिटिसाइज करते हैं। डेटा के मुताबिक 31 मार्च 2019 तक प्रॉफिट मेकिंग PSUs की कुल कीमत जो उन्होंने शेयर होल्डर से रिसीव की थी वो लगभग 2.76 लाख करोड़ थी। दूसरी ओर सेंट्रल PSUs ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 25.43 लाख करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया था। इसलिए लोग मानते हैं कि ऐसी PSUs को सेल करने से गवर्नमेंट एक रेगुलर इनकम खो सकती है। क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन से पब्लिक मोनोपोलीज प्राइवेट मोनोपोलीज में बदल जाएंगी, जिसका नुकसान कॉमन सिटीजन्स को होगा, क्योंकि ये मोनोपोलीज हायर प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए अपने गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को इंक्रीज कर देंगी और कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करेंगी। वैसे तो हम प्राइवेटली रन कंपनीज में भी कई दिक्कतें देखते हैं। इनफैक्ट ये हम सब जानते हैं कि अधिकतर नॉन फार्म नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPAs प्राइवेट सेक्टर में ही हैं। वहीं दूसरी तरफ 2017 तक अवेलेबल डेटा ये शो करता है कि NPAs में पब्लिक सेक्टर का शेयर केवल 3% के आसपास है।
इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट को अचीव करने के साथ साथ ज़रूरत है कि लीडरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल्स में बदलाव लाए जाएं, खासतौर पे लॉस मेकिंग PSUs में, क्योंकि गारंटी तो इस बात की भी नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन से PSUs कम्प्लीटली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा डिस्कशन डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर, जिसमें हमने देखा कि डिसइन्वेस्टमेंट को कम्प्लीटली सक्सेसफुल या कम्प्लीट फेलियर समझना सही नहीं होगा। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके थ्रू गवर्नमेंट को कई फायदे तो पहुंचते हैं, लेकिन कम रेवेन्यू मिलने की वजह से कई बार नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। बल्कि कंपनीज डाइवेस्टेड हो या ना हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कंपनीज के एम्प्लॉइज को मिनिमम वेजेस प्राप्त हो, सोशल सिक्योरिटी दी जाए, अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म और मोनोपोली को बढ़ावा ना दिया जाए और अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ फोकस किया जाए। दोस्तों, ये वीडियो UPSC मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सवाल UPSC GS3 के इकोनॉमी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज दैट ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कमेंट वेदर द प्रोसेस हैज बेनिफिटेड इंडिया और नॉट। हालांकि इस सवाल का जवाब आपको वीडियो में मिल ही गया होगा, पर आप भी अपना पर्सपेक्टिव कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।